प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां अब आपको चलिए दे देते हैं। आज का जो उनका कार्यक्रम है उससे जुड़ी अहम डिटेल्स। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण स्तूप के बौद्ध स्थल जाएंगे। दिवाले पर भी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। आज श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु और श्रीलंका सरकार के मंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। और पहली उड़ान श्रीलंका के 125 गणमान्य व्यक्तियों और बौद्ध भिक्षुओं के साथ उतरेगी। श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए पहल है। तो दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीधा हवाई संपर्क अब आसान होगा। ये हवाई अड्डा एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रोत्साहित करेगा। बौद्धों के लिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के दर्शन करने की सुविधा होगी। पर्यटन मंत्रालय जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में बौद्ध सर्किट को संभालने वाले प्रमुख टूर ऑपरेटर भाग ले रहे हैं। तो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कैसी हैं और क्या है एयरपोर्ट के लोकार्पण के मायने, ये जानने के लिए अब हम सीधा चलेंगे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, आप क्या तैयारियां आप वहां ग्राउंड पर देख रहे हैं और क्या बहुत विशेष आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो इस बीच में कई बार उत्तर प्रदेश आए, कई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया, इस बार क्या अलग है वीरेश? देखिए, इसके पहले प्रधानमंत्री वाराणसी आए थे अपने संसदीय क्षेत्र में और इस वक्त वो कुशीनगर आ रहे हैं। तो कुशीनगर में क्या होने वाला है, किस रूप में यहाँ की तैयारियां हैं, अपने कैमरे की नजर से दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा। देखिए, कल से रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उससे स्थिति यहाँ पर जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए तनावपूर्ण है। बावजूद इसके कोशिशें जारी है, जो पानी है उसे सकिंग करके बाहर निकाला जा रहा है। जो यहाँ के नगर पंचायत के जो ट्रैक्टर है, ट्रालियां हैं, उन्हें लगाया गया है। और देखिए, तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और तैयारियों का आलम यह है कि जो प्रशासनिक अमला है पूरी रात यहां खड़ा होकर यहां की तैयारियों का जायजा ले रहा है। दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ये पानी है लगातार जो रुक रुक कर, प्रकृति का जो प्रकोप है उससे प्रधानमंत्री भी नहीं बच सकते और प्रकृति तो प्रकृति है। और ये जो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में 500 करोड़ रुपए के लगभग जो लोकार्पण कार्यक्रम है वो अपने कैमरे की नजर से इस पानी भरे रास्ते से गुजरकर मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री का जो ये बोर्ड लगा हुआ है लोकार्पण कार्यक्रम का, वो भी तो दर्शक देख लें कि नरेंद्र मोदी का नाम है, योगी आदित्यनाथ का नाम है और जनरल वीके सिंह का नाम है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनका नाम है। और ये लोकार्पण का कार्यक्रम है। 500 करोड़ की सौगात पूर्वांचल को दी जाएगी, तथागत की इस धरती जो महापरिनिर्वाण स्थली है गौतम बुद्ध की, वहां से दी जाएगी। और साथ ही साथ आज वाल्मीकि जयंती है, शरद पूर्णिमा है, तमाम शुभ अवसर हैं। तो ऐसे में यहां पर अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2022 का चुनाव है तो राजनीति भी साधी जाएगी। और राजनीति की बात करें तो लोकार्पण कार्यक्रम में बुद्ध और वाल्मीकि के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कहना न होगा कि तथागत के इस महापरिनिर्वाण स्थली से जहां विकास का सबसे बड़ा संदेश प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा, वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति को साधने का भी कोई कोर कसर प्रधानमंत्री नहीं छोड़ेंगे। 2022 का इलेक्शन आ रहा है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। प्रधानमंत्री 500 करोड़ की सौगात कुशीनगर से देंगे और पूर्वांचल के विकास की रूपरेखा खींचेंगे। जो शंखनाद है, जो चुनावी शंखनाद है, अपने कैमरे की नजर से इस भव्यता को जरूर दिखाऊंगा कि यहां 3 पंडाल लगे हुए हैं, अस्त व्यस्त हो चुका है, फूलों से सजावट का काम भी चल रहा है। ये पानी है, पहले यहां के पानी को देखिए, चूंकि रात से बारिश हो रही है, कल दिन में रुक रुक कर बारिश हो रही थी, ये प्रकृति का प्रकोप है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बावजूद प्रशासनिक अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस प्राकृतिक प्रकोप से कैसे प्रधानमंत्री और इस आयोजन स्थल को बचाया जाए, क्योंकि जो अमला है, चाहे वो गोरखपुर मंडल का और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हाईकमान, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के सुनील बंसल हो, स्वतंत्र देव हो, योगी आदित्यनाथ हो, लगातार यहां डेरा डाले हुए हैं। जो स्थानीय पदाधिकारी हैं संगठन के वो भी मौजूद हैं और साथ ही साथ जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, मंडल के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी लगे हुए हैं। अपने कैमरे की नजर से यहां की तैयारियों को जरूर दिखाऊंगा राजेंद्र। और ये जो एक जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा जनता के बैठने के लिए, बारिश जितना भी हो जाए, और ये वाटर प्रूफ जो टेंट है, लाखों लोग यहां बैठ सकते हैं, 3 लाख लोग आने हैं
यार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो लगातार कोशिश में हैं। चार दिन से सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री हैं उन्होंने यहाँ कैंप कर रखा है। क्षेत्रीय पदाधिकारी क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह यहाँ कैंप कर चुके हैं, साथ ही साथ जो गोरखपुर क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि प्रधानमंत्री के इस रैली को सफल बनाना है। एक दूसरा पांडाल और आपको लेकर दिखाऊंगा जो मंच है। आइए जितेंद्र हमारे जो कैमरामैन हैं उनके कैमरे की नजर से मैं इस मंच को भी दिखाऊंगा। यहाँ की साज सज्जा चल रही है, रंगोली किस रूप में सजाई जा रही है, फूलों से इस जो मंडल है ये मंडप है उसे सजाया जा रहा है। देखिए ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो खड़े हैं, यही मंच है जहां प्रधानमंत्री मौजूद होंगे और उनकी कैबिनेट के आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री भी होंगे और साथ ही साथ 8 कैबिनेट मंत्री श्रीलंका के होंगे। कई देशों के 14 देशों के राजदूत यहां आएंगे, लगभग 125 डेलीगेट्स होंगे जो श्रीलंका से आएंगे जिसमें 100 बौद्ध भिक्षु होंगे और इसके साथ साथ 25 ऐसे डेलीगेट श्रीलंका के होंगे जिसमें प्रधानमंत्री के पुत्र खेल मंत्री भी मौजूद होंगे। 8 कैबिनेट मिनिस्टर श्रीलंका के होंगे। तैयारियों का ये जो भव्य रूप है वो कैमरे की नजर से एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव दिख रहा है। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल निशान को किस रूप में, बहुत सुंदर साज सज्जा दिखाई दे रही है वीरेश। और ये कैसा इवेंट है, एक ऐसा ये इवेंट होने जा रहा है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में इंटरनेशनल प्रेजेंस रहने जा रही है।